झंडे वाले सेवा समिति की ओर से करनाल के कमेटी चौक पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें समिति द्वारा सैनिटाइजर के साथ रिक्शा चालकों को हाथ साफ करवाए गए और उनको मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा और अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखना एकमात्र बचाव ही है जो इस वायरस का इलाज है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रिक्शा चालकों के सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए और उनको जागरूक किया गया। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता व जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से भारत भूषण कपूर के अलावा मां झंडे वाली सेवा समिति से जुड़े सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। पूरा सहयोग मिल रहा है और लोग जागृत हो रहे हैं और ये केवल आज ये रुकने वाली नहीं है, कल से आज से ही हम शाम को 4 बजे एक जगह कार्यक्रम करेंगे और ये जब तक हम इस पर पूरी तरह पकड़ नहीं पा लेते तब तक हम ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे, लोगों को अवेयर भी करते रहेंगे, मास्क बांटते रहेंगे और जो इसमें हमें मीडिया का पूरा सहयोग मिल रहा है इस जागरूकता अभियान में, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। क्या अभियान चलाया जा रहा है? ये आज मां झंडे वाली सेवा समिति करनाल की तरफ से करनाल के जितने भी ई रिक्शा वाले या ऑटो वाले हैं उनको ये मास्क और ये इसकी सैनिटाइजर की बॉटल हम दे रहे हैं ताकि जो जिन सवारियों को अपने ऑटो में लेके चलते हैं या ई रिक्शा में लेके चलते हैं उनके वो हाथ जो है दिन में पूरे दिन में अपना जो भी सवारियाँ चढ़ती हैं उतरती हैं उनके हाथ जो है सैनिटाइजर साफ करते रहे और खुद जो है वो अपना ये मास्क लगा के रखते हैं। ये जो महामारी पूरे विश्व में फैल गई है और कई देशों में तो बहुत बुरी तरह फैल गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े स्टेप उठाए हैं और भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इसके ऊपर लगातार लोगों को जो है ना इसके बारे में आगाह किया जा रहा है कि ये महामारी हिंदुस्तान में ना फैले, इसके लिए जो है ये सारे उपाय किए जा रहे हैं और जितने भी इसमें बचाव हो सकते हैं वो बचाव भी हम भी जेबीडी समाज कल्याण समिति की तरफ से भी करनाल के सभी मंदिरों में सभी अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ लोगों को ज़्यादा आना जाना थोड़ा बहुत रहता है वहाँ पर हम अपनी भी अपनी फ्लैक्स लगाकर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इसके अंदर ये सावधानियाँ बरतनी है, कितने 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर किसी से बात करनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करके उसका अभिवादन करना है और हर 20 मिनट के बाद साबुन से सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि हिंदुस्तान में ये महामारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। आज मां झंडे वाली सेवा समिति की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए, जिसमें विशेष तौर पर ई रिक्शा वाले जो सारा दिन तरह तरह की सवारियों को अपने बीच में बिठाकर घूमते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसे अवेयरनेस कैंप और लोगों को बहुत सारी जागृति प्रदान की है। आज हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में हॉस्पिटलों में विशेष व्यवस्थाएं जो इस तरह के संक्रमित या किसी का अंदेशा हो तो उसके टेस्ट के लिए और उनको रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मैं सभी से ये बात के लिए कहती हूँ कि आप इस महामारी के प्रति अवेयर रहें, इसके प्रति डर ना पैदा करें मन में। लोगों को जिस तरह से सरकार गाइड करती है उन्हें उस तरह से उन्हें सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। मैं मां झंडे वाली सेवा समिति के सभी भक्तों को इस बात के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रयास जो ई रिक्शा के वालों के लिए किया है बहुत सराहनीय है। मैं सरकार और संस्थाओं की तरफ से चाहूँ कि आम आदमी को भी इसकी जो मास्क और सैनिटाइजर है इसका व्यवस्था हो सके। सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, हर डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा संस्थाएं मिलकर जो आम नागरिक है उन्हें अवेयर भी कर रही है, उन्हें सामान भी प्रोवाइड कर रही है। ये ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.